नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सिंह फिर आपके सामने एक और अपनी एक वीडियो लेकर आया हूं। आज हम अपने खेत में गेहूं बो रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि गेहूं कैसे बोया जाता है और किसके द्वारा बोया जाता है, और साथ में जो क्या क्या खाद और बीज डलता है, कितने किलो बीघे का, मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये NPK 12-32-16 जो कि खाद है, ये 9 से 10 किलो बीघे का पड़ेगा। और साथ में ये गेहूं है MD 29-67 जो कि 4 से 5 कुंटल बीघे का एवरेज देता है और 9 से 10 किलो बीघे का। और ये मशीन है जो गेहूं बोती है, और ये हैं जीवन जो कि ये बोने के लिए आए हैं, और हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। तो जीवन, बताइए गेहूं कैसे बोते हैं और आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है ये मशीन चलाते समय? 9-10 का बीज पड़ता है और जो है हिसाब से उड़ते हैं गेहूं, नहीं अच्छा। लागू हों नहीं सही हों, अच्छा अच्छा, इसी आधार पर मशीन चलती है। बैल भी चलते हैं, कहीं गलेट वलेट आ जाती है तो वो डंडी से निकालते हैं, उसी आधार अच्छा। पर अच्छा, तो ये मशीन ऑटोमेटिक ये चलती रहेगी, इसमें हाँ। आपने देखिए खाद और ये गेहूं है। हाँ हाँ, ये अच्छा अच्छा। तो ये क्या बीघे का खेत है, जो आपको कितना टाइम लगेगा इसको पूरा बोने में? जो है 1.5 घंटा लगेगा, 4 बीघे का टुकड़ा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो 1.5 घंटे के अंदर आप इस पूरे खेत को बो देंगे? गलेट नहीं आई तो 1.5 घंटा लगेगा, गलेट आई तो 2 घंटे लगेंगे। अच्छा अच्छा, ये हमारे पापा जी हैं जो कि एक किसान है, मिस्टर महेंद्र सिंह, और ये एक अनुभवी किसान है, और ये आज अपने खेत में गेहूं बुआ रहे हैं। देखिए कैसे गेहूं बोते हैं। तो ये देखिए मशीन चालू हो चुकी है, और ये जीवन जी एक साइड में इसको लेंगे। और ये देखिए गलेट आ चुकी है, तो जिसको जीवन जी ने अभी हटाया है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है गेहूं की उराई के समय। साथ ही 1 घंटा इस खेत को पूरा गेहूं बोने में लगेगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।